टाइगर और किरण दोनों हेड कांस्टेबल। ए बिल्ले बिल्ले, उनको सुनना सुनना। ए बिल्ले, एक मिशन पे भेजा गया था। हम ही बोल रहे हैं ना कि बिल्ले दोनों कांस्टेबल लोग हैं ना, टाइगर और किरण, इन दोनों लोग के बीच में क्या हुआ और कुछ बातें हुई लैंप पोस्ट के नीचे। अरे और अचानक लैंप पोस्ट क्यों छोड़ू? पकड़ के रख लैंप पोस्ट अपना। हमको खाली इतना बता दे कि टाइगर और किरण जो दोनों एक दूसरे से प्यार करता था, सब शादी करना चाहता था, सब पूरा जिंदगी साथ में बिताना चाहता था, सब ये चीज हुआ कि नहीं बिलाटे, बताना। जीते मैं नहीं तुझे बता सकता, तेरा दिल टूट जाएगा यार। गाए शादी नहीं हुआ काउ लोग का? नहीं शादी तो हुआ। फिर क्या दिल टूटेगा हमारा? आपस में शादी नहीं हुआ, अलग अलग शादी हुआ। जैसा मनहोश तू, वैसा मनहोश तुम्हारा कहानी का लिखी। फालतू कहानी लिखा हुआ है, इस पर बिलीव नहीं करते हम, इस पर भरोसा नहीं करते हम। नहीं मोहन प्रजापति का है बाबा। लैंप पोस्ट कुछ भी बोलता है, हाँ। कुछ भी बोलता है तो लैंप पोस्ट क्या और कुछ नहीं। पुष्पा जी हमारा दिमाग ना अब एकदम आपे से बाहर है, कुछ भी हो जाए बिलौटे। किताब ना संतु जी के हाथ में नहीं लगना चाहिए, पढ़ेंगी तो बवाल हो जाएगा, भौचाल हो जाएगा। तो दूसरा आराम से अरे गिर जाएंगे हम। क्या हुआ? बिल्लू जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो राइटर है मोहन प्रजापति, इनकी पहली 2 नॉवल पर ऑलरेडी चोरी की वारदातें हो चुकी है, ठीक उसी तरह जिस तरह उनकी नॉवल में लिखा हुआ था। देखा, हमने कहा था ना कि बिल्लू जो कुछ भी कह रहा है ना बिल्कुल सही कह रहा है। माँ आपने कब कहा था? अरे हमने कहा था, तुमने सुना नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें वो पहला एडिशन पढ़ना चाहिए, हो सकता है उसमें हमें चोट के बारे में पता चले। हाँ लो पढ़ लो। नहीं संतु जी, आपको ये किताब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना? अरे लेखा कुछ भी लिखा हुआ है। हे भगवान, बच्चे हो तुम दोनों, किताब फाड़ दी। वैसे भी पढ़ के कोई फायदा नहीं था। मतलब पूछ रहे ना? हाँ पूछो। मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब में चोरी के बारे में लिखा है, चोर के बारे में नहीं लिखा है। तो हो सकता है कि तीसरे पार्ट में चोर के बारे में लिखा होगा, तो जब तीसरा पार्ट हमारे हाथ में आएगा हम चोर को पकड़ सकते हैं। एक्सक्यूज मी संतु जी, पॉइंट तो वैलिड है, लेकिन अगर उन्होंने नहीं लिखा हुआ होगा और लिखा भी हुआ होगा तो वो फाइनल टच करते होंगे, और फाइनल टच करने के बाद वो हमें क्यों देंगे? वो देंगे पब्लिशर को। दैट्स ऑल। वैसे बात तो सही है, कैसे देगा वो? हाँ एक हो सकता है, अगर कोई बड़ा अफसर जाके अपना भौकाल दिखाकर उसे किताब मांगेगा तो वो दे सकता है ना, मगर ऐसा कौन करेगा? मैडम सर तो ऐसा करने से रही, और हमारी लाडली करिश्मा जी जो है वो मानती नहीं ना कि ये सारी घटनाएं जो घट रही है वो किताब के अनुसार ही घट रही है, तो फिर कौन जाएगा उसके पास? कौन जाएगा? मुझे पता है कौन जाएगा। कौन? बिल्ले, हम ठीक तो लग रहे हैं ना? माँ यू लाइक करिश्मा सिंह जैसी एकदम स्लिम फिगर, कड़ा उससे भी बेहतर माँ। डायलॉग हाँ। दरोगा जी तो देखे बहुत, मगर तुमसा न देखा। माँ डायलॉग मारना है, निगलना नहीं है। क्या कर रही हो तुम? हाँ लेडी दबंग ऑफिसर बनना है। आपकी बहू तो आपके सामने पानी कम चाय है। आप भोकाल का ओरिजिनल हो, रूट हो, आपके नस नस में भोकाल है। निकालो उसको बाहर, पहनो चश्मा। गुड, किचन घुमाओ, जाओ बजा दो घर की घंटी। बेस्ट ऑफ लक माँ। हमें ऐसा है करिश्मा सिंह, हम अंदर आ सकते हैं ना? ना मत बोलना, वरना ऐसा कंटाप लगाएंगे ना कि मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी तो देखे बहुत, मगर तुमसा न देखा। मैडम आप ऑलरेडी अंदर हैं, और यही बात अगर आप आराम से भी कहती तब भी मेरा जवाब यही होता। आइए। क्या बात है, बहुत किताबें हैं आपके पास। हाँ तो भैया क्या बात है, 2 ही किताबों में काफी नाम कमा लिए हो तुम, बहुत चर्चा हो रहा है तुम्हारा। देखिए मैडम, बात को घुमा फिराकर करने की कोशिश मत कीजिए। मैं जानता हूं कि आप यहां किस लिए आई हैं। मैं पहले भी हजारों बार पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट लिखवा चुका हूँ, पुलिस कमिश्नर के सामने मेरा बयान हो चुका है। मेरी पहली 2 किताबों पर जो क्राइम हुआ उससे मेरा कोई सरोकार नहीं। अगर आप उस घटना के लिए मेरे पास आई हैं तो आप अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रही हैं। हम उसके लिए नहीं आए। तो किसके लिए आए हैं? आपका जो तीसरा किताब है ना, जो अभी तक छपा नहीं है, वो चाहिए हमको। आपको चाय कॉफी जूस लेंगी? हाँ, पानी लाता हूँ। क्या करूं भूखा? अरे हम कोशिश कर रहे बिल्ले नहीं। ऐसा ही करिश्मा सिंह कहाँ है? कहाँ गई? चुड़ैल आ गई। आप ही तो है। हाँ 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 अरे हम ही है करिश्मा जी। हाँ हाँ अपने नाम से कौन डरता है? भौकाल ही इतना है ना कि कभी कभी अपने नाम से डर लगता है। तो क्या बात है ना भैया, दिलकश का चोरी वो इस बात का प्रमाण है कि कोई तो है जो आपके इस किताब को ना अपना गुरु मानकर चोरी की वारदात किए जा रहा है। अब वो चोर एक है, अलग अलग है या फिर गिरोह, वो तो तभी पता चलेगा ना जिस दिन हम उस चोर को पकड़ेंगे। समझ रहे हैं हमारी बात? जी हाँ। और इसीलिए हमको आपका वो तीसरा किताब चाहिए जो अभी तक छपा नहीं है। जी जरूर देता, मुझे पुलिस की मदद करके खुशी मिलती, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि पब्लिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट से मैं बंधा हुआ हूँ। उसमें मेन क्लॉज है कि पब्लिकेशन से पहले बुक को ना मैं किसी को दिखा सकता हूँ, ना ही उसके बारे में किसी से बात कर सकता हूँ। इसलिए आई एम सॉरी, इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बिल्लू चंपत, अगर तुम्हारी बात में जरा सा भी दम है तो ये किताब तो पढ़नी पड़ेगी। कैसे? एक सुलझा हुआ तेज दिमाग छोटी से छोटी बात को कभी नजरअंदाज नहीं करता, क्योंकि अक्सर बड़े राज का पर्दाफाश छोटे सुराग से ही होता है। याद रखिए, हर किरदार कुछ कहना चाहता है। ये हमसे कैसे छूट गया? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, इतनी रात को आप फोन कर रहे हैं, सब ठीक तो है ना? हमने अभी अभी ये किताब रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार, अभी इसे जस्ट पढ़ा है, और जो बातें इस किताब में लिखी है एग्जैक्टली वही की वही बातें रिपीट हुई है। पर एक चीज है जो मैच नहीं कर रही है, उस भिखारी का हुलिया उसकी शक्ल से। हमें लगता है उस भिखारी में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। आप सही कह रही है मैडम सर। करिश्मा सिंह तैयार हो जाइए, हम आपको लेने आ रहे हैं। अभी अभी इस वक्त कहाँ मैडम सर? इस वारदात की जगह पर हमें वहाँ के सारे CCTV फुटेज को अच्छे से चेक करना होगा। पर मैडम सर इस वक्त आप? जी हाँ, इसी वक्त। ठीक है मैडम सर, हम रेडी हो जाते हैं। रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार पार्ट 3, लेखक मोहन प्रजापति। पार्टी ले रहा है, सो गया होगा। है? दरवाजा लॉक हो गया अलमारी का। छोड़ जाने दो, यही बैठे बैठे स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, आगे की कहानी क्या लिखी है इसने। फोन? अरे हमारा फोन घर पे भूल गए, जा भी नहीं सकते, देर हो जाएगी। ठीक है, वहां जाकर देख लेंगे, करिश्मा सिंह तो है ही। मैडम सर की जान को खतरा। मैडम सर को कैसे? मैडम सर को बताना पड़ेगा। दरवाजा नहीं खुल रहा है, मैडम सर फोन नहीं उठा रही। करिश्मा मैडम को फोन करता हूँ। बिल्ला? हाँ बिल्ला बोलो। मैडम सर की गाड़ी में बॉम्ब है, वो कभी भी फट सकता है। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आधी रात को तुम क्या बॉम्ब की बात कर रहे हो? हाँ, तुमको मजाक सूझ रहा है अभी इस वक्त? ज्यादा मजाक किया ना, तुम्हारे मजाक का बत्ती बना के तुम्हारे कानों में ठूस देंगे, समझे? रखो फोन। मैडम 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 प्रैंक करने के लिए ऐसा घटिया मजाक कैसे कर सकता हूँ मैं? वो मोहन प्रजापति है ना, राइटर, हाँ, उसके घर में चुपके से घुस के आया हूँ, वो तीसरे किताब के चक्कर में। और वो मैंने पढ़ी है और उस पर लिखा है कि वो जो 2 अफसर है जो हीरे की सिक्योरिटी के लिए तैनात की है, उनमें से जो एक अफसर है मलिका हबीब, उसके गाड़ी में बम लगाया जाने वाला है। क्या बोल रहे हो? हाँ मैडम, मलिका हबीब मतलब अपनी मैडम सर की गाड़ी में बम है और उनकी जान को खतरा है। अगर मैडम सर गाड़ी में है या गाड़ी के आसपास है तो मैडम सर उनको बचाइए प्लीज। करिश्मा मैडम प्लीज जल्दी कीजिए। हाँ मैडम सर अभी हमें लेने ही आने वाली थी, लेकिन हम जाते हैं उनके पास, ठीक है? मैडम सर को बचाइए। यार बिल्लू तो स्पाई, ये दरवाजा तुमको खोलना ही पड़ेगा। क्या आवाज है? क्या हुआ? पीछे आइए। हाँ बॉम्ब है मैडम सर, गाड़ी में बॉम्ब है। हम बॉम्ब स्क्वाड टीम को बुलाते हैं। एक सेकंड रुको, चेक कर लो। मैडम सर दूर रहिए आप। पीछे आइए। मैडम सर बॉम्ब है वहाँ पे, वो देखिए बॉम्ब है, पीछे हट जाइए। मैं बॉम्ब स्क्वाड टीम को फोन करती हूँ। रुकिए। नहीं आप दूर रहिए। करिश्मा सिंह एक सेकंड, हम दूर से चेक करें, आप वहीं खड़े। नहीं हम कॉल लगा रहे हैं उनको। एक सेकेंड मैडम साहब ये देखिए, ये नकली बॉम्ब है, ये असली बॉम्ब है ही नहीं, ये सिर्फ डराने के लिए लगाया गया है, ये फटेगा नहीं, वायर ही कनेक्टेड नहीं, पर ये काम करेगा कौन? इसकी मैया का सासू मैया पिल्ला ना, कसम से पिल्ला। हाँ मैडम सर हट जाओ, गाड़ी में बॉम्ब है। मैडम सर हट जाइए, मैडम सर गाड़ी में बॉम्ब है। कहाँ बॉम्ब है? ये बॉम्ब है, ये बच्चों वाला बॉम्ब होता है। तुम्हारे चक्कर में एक सेकंड 1000 मौत मरे हम, कि मैडम सर को कुछ हो जाता तो। ये बॉम्ब है, तुम्हारा वो हाल करेंगे ना बिल्ले हम कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम थे या हो। मैं बस मैडम सर के लिए। ये बॉम्ब ओ किताब में लिखा था इसलिए। सॉरी। चीते, हम तो शीर्षासन में हैं, ये कोई आसान है क्या? चीते मुझे छोड़ दे, मैं करिश्मा मैडम को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा। बिलौटे, लेकिन एक शर्त पर ना हम तुम्हारे हाथ को आराम दिलवा सकते हैं। तुम खाली बिलौटे हमको बता दे कि टाइगरवा और किरण के साथ क्या हुआ, लास्ट में वो लोग मिले कि नहीं? कितनी बार मैं कितनी बार कहता हूं, वो नहीं मिले, उनका मिलन नहीं हुआ, नहीं मिले वो लोग, नहीं मिले, उनमें झगड़ा हो गया किसी छोटी बात को लेकर और नहीं मिले। चीते निठल्ले, हमको दर्द हो रहा है कि अगर टाइगर हुआ और किरण नहीं मिले तो हम और संतु जी भी क्या करें? अरे लिपि में लिखा है, अभी तेरी किस्मत ही पांडु है, उसको क्या करेंगे? कितना बड़ा राक्षस है तुम बिलौटे, कितना बड़ा राक्षस। माँ, माँ क्या हुआ? ये मेरी माँ आ गई। क्या हुआ? माँ जाओ, देखो देखो तुम्हारे लल्ले की क्या हालत बना के रखी है। रात भर शीर्षासन में खड़े रहने की सजा दी, करिश्मा मैडम ने सजा दी। क्या बात कर रहे हो? अरे क्या कर रही हैं आप, जाने दीजिए ना, बच्चा है ये, बच्चा है ये आपको बच्चा दिख रहा है जिसके बाल झड़ गए हैं, शक्ल से उम्र का पता चल रहा है, पूरी दुनिया घोट के पी चुका है, ये बच्चा है। माँ मुझे भी चाहिए अभी के अभी। जय 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 मैडम। जहन मैडम, हमको पता नहीं चल रहा है कि आप सजा इसको दी थी कि हमको दी थी। पूरा रात ऐसे पकड़ कर खून जम गया है, सीधा ही नहीं हो रहा हाथ। पुष्पा जी हम करें? हाथ सीधा नहीं हो रहा। ये दोनों सास बहू हम लोग जान ले लगी। तुम अपना मनमानी करते हो, हाँ कानून तोड़ोगे तुम। प्रजापति के घर गए हो बुक चुराने, जो अभी तक छपा भी नहीं है। तुम्हारा हिम्मत कैसी हो पाई? कैसे हुआ? माँ ये थाना मेरा भी है, इस थाने की मदद की है माँ मैंने। वो किताब में जैसे लिखा था ना प्रजापति ने कि जो वो कैरेक्टर है एसएचओ, हाँ मलिका हबीब, उनके जान को खतरा है। तो मैंने भी सोचा कि हमारे मैडम सर खतरा था उनके कहने के हिसाब से, इसीलिए। तुम कौन से खतरे की बात कर रहे हो? किससे खतरा उनको समझाओ हमको। किससे खतरा है, कैसा खतरा है, आई डोंट नो, क्योंकि आगे के पन्ने तो लिखे ही नहीं थे और जितना मैंने पढ़ा उससे मैं हिल गया। क्या ऐसा ऐसा क्या लिखा था आगे की किताब में? कहानी के हिसाब से जो कैरेक्टर है अफसर, अरे इतनी बार सिखाया एसएचओ एसएचओ एसएचओ, बोल नहीं सकते। ओके, मलिका हबीब वो दिलकश हीरा लेकर आती है अपने थाने में और थाने के स्टोर रूम की एविडेंस फाइल 2007 और 8 के नीचे एक बॉक्स में रख देती है। यहां तक मैंने पढ़ा। क्या बोली थी? एविडेंस 2007-8। पुष्पा जी, पुष्पा जी ये क्या है? ये हीरा। ओह मैडम मैडम, खोल कर देखें। कोई बात नहीं मैडम साहब, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, टाइम पर आना। हाँ हाँ बिल्कुल। जय मैडम, जय मैडम। क्या हुआ, सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैडम सर बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है हमारे साथ, आपके खिलाफ बहुत बड़ा साजिश रचा जा रहा है, हम बता रहे हैं आपको। क्या खेल? किस चीज के बारे में बात कर? ये वही दिलकश हीरा जो हमारे आंखों के सामने से उड़ गया था। कहाँ मिला, कैसे मिला? ये स्टोर रूम में। हाँ पर ये कैसे हो सकता है? ये पता नहीं मैडम से कैसे हो सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले डीएसपी सर को जाके ये सौंप देना चाहिए ताकि हमारे जो थाने पे कलंक लगा है वो मिट जाए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, जल्द से जल्द ये काम कीजिए प्लीज। हाँ पुष्पा जी आप भी साथ चलिए। हमें? हाँ ठीक है ठीक है। तो इसका क्या करेंगे? इसे हमें दीजिए, बाल ठीक कीजिए और जाके हमारी कैब भी लाइए। हाँ हम कैसे भी सुंदर ही लगते हैं। संभाल कर प्लीज, बहुत संभाल कर लेकर जाइए। आप टेंशन मत लीजिए, संभाल के लेके जाइए। हाँ बहुत संभाल। पुष्पा जी जल्दी आइए। हमें तो अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो कैसे सकता है। संतोष शर्मा। इट्स ओके मैडम सर, आज आप पहली बार ही तो लेट हुई है ना, इतना आप सॉरी बोल रही हैं मुझे जेन्युइनली नहीं अच्छा लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज चेक करिए, एक बार नहीं दो बार चेक करिए। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक पुलिस की सिक्योर्ड व्हीकल में से एक डायमंड चोरी हो जाता है और फिर पुलिस थाने के एविडेंस रूम में से वही डायमंड वापस मिल गया। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। इसलिए सीसीटीवी फुटेज आप दो बार नहीं तीन बार चेक करेंगी, बाकी सबको भी दिखाएंगी और पता लगाएंगी कि ये हुआ क्या है। जी मैडम सर। चीता वक्त है। ये केस तो सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। इससे पहले की कोई नई मुसीबत आए हमें ही कुछ करना होगा।